हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीयूष भारद्वाज और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है एल्कोहलिज्म। जैसा कि आपको देखते पता चल गया होगा, एल्कोहलिज्म क्या है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर सोशल प्रॉब्लम की बात करें तो। क्योंकि आपको पता है कि सोसाइटी में बहुत सारे कबीर सिंह बन के घूम रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो हम यहां देखते हैं कि एल्कोहलिज्म का मतलब क्या है। कि एल्कोहलिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो एक्सेसिव एल्कोहल का क्या करता है, इनटेक करता है। और वो क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो अल्कोहल जैसे सब्सटेंस पे क्या होता है, फिजिकली और मेंटली क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है। यानी कि फिजिकल और मेंटल प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल होगी तो ये सारे काम होंगे, अदरवाइज वो जो है वो ये काम जो सही से नहीं कर पाएगा। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, अल्कोहलिज्म। अब ये अल्कोहलिज्म जो है वो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है, साथ ही साथ ये है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे पेपर में आते हैं। तो आइए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक और सिंपल वे में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहलिज्म में। तो देखिए, एल्कोहलिज्म जो है वो क्या है, साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है। समझिएगा बात को कि एल्कोहलिज्म जो है वो किस एल्कोहलिज्म कंडीशन किस में आती है, साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। अब जाहिर सी बात है कि हम इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करें उससे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि साइको एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, अब्यूज क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बिना बेसिक क्लियर करे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखते हैं, अगर हम बात करें किसकी, साइको एक्टिव सब्सटेंस की, तो साइको एक्टिव सब्सटेंस कौन से होंगे। देखो नाम से पता है, साइको और एक्टिव, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो माइंड को किसी ना किसी तरह से क्या करते हो, अफेक्ट करते हो। तो साइको एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होंगे जो क्या है, वन दैट इज कैपेबल ऑफ अल्टरिंग मेंटल फंक्शन। समझिएगा, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी ना किसी तरह से मेंटल फंक्शन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे लिखा हुआ है अल्टरिंग, यानी कि कोई ये नहीं है कि मेंटल फंक्शन कम ही करेगा या हो सकता है बढ़ा दे। तो हम ये देखते हैं कि अगर मेंटल फंक्शन बढ़ते हैं, ज्यादा हो जाते हैं तो भी अब नॉर्मल है, और कम होते हैं तो भी क्या है, अब नॉर्मल है। तो ऐसे सब्सटेंस जो मेंटल फंक्शन को, हम इजी वे में समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो मेंटल फंक्शन को या तो बहुत ज्यादा बढ़ाते हो या बहुत ज्यादा कम करते हो, वो क्या कहलाएंगे, साइको एक्टिव सब्सटेंस। गॉट इट, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब्यूज। अब्यूज क्या होता है, अब्यूज को हम ये कहेंगे, अब्यूज का मतलब क्या है, रॉन्ग और हार्मफुल यूज। रॉन्ग यानी कि गलत इस्तेमाल, और हार्मफुल कि आप इतने ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो कि आपकी बॉडी पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए कोई भी सब्सटेंस हो तो जाहिर सी बात हम करते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, थेरापेटिक डोज होती है, यानी कि उसके एक्शन के लिए पर्टिकुलर एक मात्रा होती है। अगर उसमें लिया जाता है तो वो ठीक है, बॉडी के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट अगर उसी सब्सटेंस को आप उसकी थेरापेटिक डोज से ज्यादा एक्सेस में आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो वो चीज क्या कहलाएगी, अब्यूज। यानी कि गलत और ज्यादा, साथ में इतना ज्यादा कि वो आपकी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, अब्यूज कहलाएगी। क्लियर। सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी फिजिकल मैटर, ठीक है, जैसे हम अल्कोहल की बात करें, और भी अगर जैसे आगे हम साइको एक्टिव सब्सटेंस में अब्यूज डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, वो सब के सब सब्सटेंस क्या है, कोई फिजिकल मैटर हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, साइको एक्टिव और अब्यूज। तो इसका मतलब समझ गए, यानी कि अब इसको अल्कोहल के जो उसके कॉन्टेक्स्ट में लेके हम समझते हैं कि अल्कोहल एक सब्सटेंस है, ठीक है, और सब्सटेंस कैसा है कि साइको एक्टिव सब्सटेंस है, कि वो मेंटल फंक्शन को क्या कर देता है, अलर्ट, वो क्या कर देता है, अल्टर्ड कर देता है, यानी कि अफेक्ट कर देता है। और किस तरह से करता है, कि मेंटल फंक्शन को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। ध्यान रखिएगा, नोट करने वाली बात है कि ये मेंटल फंक्शन को क्या करेगा, कम करेगा। क्यों, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो किस में आता है, सीएनएस डिप्रेसेंट्स में आता है। किस में आता है, सीएनएस डिप्रेसेंट। नाम से पता चल रहा है कि सीएनएस को क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा, यानी कि मेंटल फंक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर। और अब्यूज है, यानी कि एल्कोहलिज्म कंडीशन में इंडिविजुअल जो होता है एल्कोहल को एक्सेसिव अमाउंट में क्या करता है, यूज करता है, इनटेक करता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, एल्कोहलिज्म। क्लियर। चलिए इसी तरह से हम जो है वो बेसिक क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर बात की जाए तो डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, देखिए एल्कोहलिज्म क्या है, कि एल्कोहलिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग। क्या पाई जाती है उसमें, एक्सेसिव ड्रिंकिंग। टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, क्लियर, ऐसी बातें करेंगे टू द पॉइंट जो हमारे लिए यूजफुल हो। इंडिविजुअल में क्या पाई जाती है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग पाई जाती है, किसकी, अल्कोहल की, ठीक है। तो साथ में ये समझिएगा कि वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग करता है जिसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल और साइकिक क्या हो जाती है, डिपेंडेंस पाई जाती है।
इंडिविजुअल में इंडिविजुअल एक्सेसिव इंटेक करता है अल्कोहल का, जिसकी वजह से उसमें फिजिकल और मेंटल क्या हो जाती है, डिपेंडेंस हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, विथ मार्क डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ, साथ ही साथ क्या होता है कि हेल्थ पे भी उसका कैसे इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो वो चीज क्या कहलाती है, एल्कोलिज्म। क्या कहलाती है, एल्कोलिज्म। यानी कि अगर हम बात करें कोई पार्टी ड्रिंकर है यानी ओकेजनली एल्कोहल का इंटेक करता है तो हम उसको एल्कोलिज्म नहीं कह सकते। एल्कोलिज्म कंडीशन क्या होगी, एल्कोलिज्म वो कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल में एक्सेसिव ड्रिंकिंग यानी कि मैं कहूं तो क्या, बिंज ड्रिंकिंग पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी स्टूडेंट, बिंज ड्रिंकिंग पाई जाएगी। ठीक है, तो बिंज ड्रिंकिंग पाई जा रही है और इतनी ज्यादा पाई जा रही है कि उसमें क्या हो गया, उसकी फिजिकल और मेंटल क्या होगी, डिपेंडेंस होगी। साथ ही साथ बॉडी पे उसका इफेक्ट कैसा पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है। तो वो चीज क्या कहलाएगी, एल्कोलिज्म। क्लियर। दूसरी बात करें कि एल्कोलिज्म जो है वो आल्सो नोन एज एल्कोहल डिपेंडेंस डिसऑर्डर। किस नाम से जाना जाएगा, एल्कोहल डिपेंडेंस। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल मेंटली और फिजिकली एल्कोहल सब्सटेंस पे क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है। दूसरी बात करें अल्कोहल एडिक्शन, यानी कि इंडिविजुअल एडिक्ट हो गया किसके लिए, अल्कोहल के लिए। ये क्यों एडिक्ट हो जाता है, क्या कारण होता है एडिक्ट होने का, आगे जो है हम सब डिस्कस करेंगे। पर यहां पे हम ये देखेंगे कि अल्कोहलिज्म का दूसरा नाम क्या है, अल्कोहल डिपेंडेंस डिसऑर्डर या अल्कोहल एडिक्शन, या हम ये भी बोल सकते हैं इसको अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, नोट कर लीजिएगा। तो तीन नाम हो गए अल्कोहलिज्म के, एल्कोहल डिपेंडेंस डिसऑर्डर, एल्कोहल एडिक्शन, या हम कहें एल्कोहल यूज डिसऑर्डर। क्लियर। दूसरी बात करें एल्कोहलिज्म इज द इनएबिलिटी टू कंट्रोल ड्रिंकिंग। देखो यहां पे एल्कोहलिज्म को हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी ड्रिंकिंग हैबिट को कंट्रोल नहीं कर पाता, इनएबिलिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, फिजिकल और इमोशनल, या हम कहें क्या, मेंटल, इमोशनल और मेंटल क्या हो जाती है, डिपेंडेंस हो जाती है किसके ऊपर, अल्कोहल के ऊपर। तो वो चीज क्या कहलाती है, अल्कोहलिज्म। क्लियर। देखिए अल्कोहलिज्म में हमने ये देखा कि अल्कोहलिज्म कंडीशन क्या है, कि इसके तीन जो है वो मेन बेसिक पॉइंट है। क्या होगा कि इंडिविजुअल जो है वो एक्सेसिव इंटेक करेगा यानी कि बिंज ड्रिंकिंग उसमें पाई जाएगी, फिजिकल और मेंटल डिपेंडेंस पाई जाएगी, साथ ही साथ बॉडी पे और या हम कहें कि फिजिकल जो है वो इफेक्ट कैसे आएंगे, नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, अल्कोहलिज्म। क्लियर है, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है सबके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखा कि डेफिनेशन, आगे बात करते हैं हम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर ध्यान देंगे पूरा, कि जो ड्रिंकेबल अल्कोहल होती है यानी कि जो हम ड्रिंक करते हैं अल्कोहल, उसमें क्या पाया जाता है, कौन सा केमिकल पाया जाता है, इथेनॉल। क्या पाया जाता है, इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो ड्रिंकेबल अल्कोहल होती है उसमें क्या, कौन सा केमिकल पाया जाता है, हम कहेंगे कौन सा पाया जाता है, इथेनॉल। ठीक है, अब ये इथेनॉल क्या करता है, विच रिड्यूस द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इनहिबिटरी एंड एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये इथेनॉल जो होता है केमिकल, ये क्या करता है कि बहुत सारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और कौन कौन से, इनहिबिटरी और एक्साइटरी, अभी पता करेंगे कौन कौन से होते हैं, उन सब के उनको क्या कर देता है ये, उनको क्या करता है, उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। याद रखिए मैंने क्या कहा था, सब्सटेंस हाई को एक्टिव सब्सटेंस है, पर ये मेंटल फंक्शन को क्या करता है, कम करता है। यानी कि हम ये कहें कि एल्कोहलिज्म में मेंटल फंक्शन क्या होते हैं, कम होते हैं। इसको और भी ये इजी तरीका है कि एल्कोहलिज्म में ये देखा जाएगा कि मेंटल फंक्शन कम पाए जाएंगे, पर जब इंडिविजुअल अल्कोहल को क्या करता है, विड्रॉ करता है, तब मेंटल फंक्शन ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि एक्टिविटी जो है वो ज्यादा पाई जाती है। इस तरह से बेसिक से हम इसको याद कर सकते हैं। तो हमने देखा है इथेनॉल जो होता है वो क्या करता है, मेंटल एक्टिविटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब हम ये देखते हैं कि जो अल्कोहल होती है, हाउ अल्कोहल अफेक्ट द ब्रेन। कि अल्कोहल अगर कोई लेता है तो ध्यान से देखिएगा, अगर कोई कबीर सिंह बना हुआ है तो वो इस चीज को बहुत ध्यान से देखेगा। ठीक है, हो सकता है कि उसकी कबीर सिंह का भूत जो है वो उतर जाए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अल्कोहल जो है वो आपको, आपके ब्रेन को किस तरह से अफेक्ट करती है। देखो अगर मेनली बात की जाए तो अल्कोहल जो है वो कौन कौन से जो ब्रेन पार्ट्स उनको अफेक्ट करती है, सबसे पहले बात करें हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेडुला ऑब्लिगेटा, सेरिबेलम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। देखिएगा, समझिएगा, अल्कोहल में जो इथेनॉल होता है वो क्या करता है, हिप्पोकैम्पस को क्या करता है, हिप्पोकैम्पस को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो हिप्पोकैम्पस होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो किसके लिए होता है, आपके मेमोरी के लिए। किसके लिए होता है, मेमोरी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो
तो आप में मेमोरी इंपेयरमेंट पाया जाएगा, मेमोरी डिस्टरबेंस पाया जाएगा, पहली बात क्लियर। जो इथेनॉल होता है वो क्या करता है, आपके हाइपोथैलेमस को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस में भी क्या करता है, उसको भी वो क्या करता है, अल्टर्ड करता है उसके फंक्शन को। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है, हार्ट रेट के लिए, किसके लिए, हार्ट रेट के लिए और फीलिंग ऑफ हंगर और थ्रस्ट के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर जो इथेनॉल होता है हाइपोथैलेमस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, अफेक्ट करता है, उससे क्या होता है कि आपकी जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, याद रखिएगा क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, साथ ही साथ हंगर और थ्रस्ट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, याद रखिएगा। टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, हिप्पोकैम्पस अफेक्ट होता है जिसलिए अल्कोहल में क्या, मेमोरी इंपेयरमेंट पाया जाता है। जो हाइपोथैलेमस जो है वो अफेक्ट होता है उसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाती है, साथ ही साथ थ्रस्ट और हंगर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, CNS, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल जो है इथाइल अल्कोहल की बात करें या इथेनॉल की बात करें हम, वो क्या होता है, CNS डिप्रेसेंट होता है, यानी कि CNS को क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। तो जाहिर सी बात है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन भी क्या होंगे, कम होंगे। ये CNS को डिप्रेस करता है, इसकी वजह से क्या है कि इंडिविजुअल थिंक स्पीक और मूव क्या करता है, स्लोली करता है, सोचेगा धीरे, ठीक है, बोलेगा धीरे, और जो मूवमेंट है वो भी उसमें क्या पाए जाएंगे, कम ही पाए जाएंगे। क्यों, कारण क्या है कि CNS क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, क्लियर। तीसरी बात करें मेडुला की, मेडुला जो है जैसे हम बात करें ब्रीथिंग और बॉडी टेम्परेचर के लिए ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब जो ये इथेनॉल होता है इस मेडुला को भी क्या कर देता है, अल्टर्ड कर देता है, इसके फंक्शन को अल्टर्ड कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से अगर किसी टाइम पे इंडिविजुअल जो है वो एक्सेसिव, मतलब बहुत ज्यादा उसने क्या कर लिया, इनटेक कर लिया अल्कोहल का, तो उसकी वजह से इंडिविजुअल में जो है वो कोमा पाया जा सकता है। क्यों, कारण क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर और हम ये कहें कि ब्रीथिंग, ये दोनों फंक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे, तो इसकी वजह से कोमा पाया जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट बात करें सेरिबेलम की, सेरिबेलम को अगर देखें तो क्या बोला जाता है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सेंटर, क्या बोला जाता है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सेंटर। अल्कोहल जो, अल्कोहल में जो इथेनॉल है या अल्कोहल है वो सेरिबेलम को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता अपने मूवमेंट्स को और साथ में बैलेंस बना के नहीं चल सकता। अब मैं कहूं, चाहे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, चाहे आपने कहीं देखा हो, आपने देखा हो कोई भी जो है वो अल्कोहलिज्म का क्लाइंट, या हम कहें कि जो अल्कोहल का इंटेक करता है, अल्कोहल लेने के बाद में वो अपने मूवमेंट को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, आपने देखा होगा कैसे चलते हैं वो, लड़खड़ाते हुए, इधर चला मैं उधर चला, देखा होगा आपने अच्छी तरह से। तो वो किस कारण से हो रहा है कि सेरिबेलम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें सेरिबल कॉर्टेक्स की, सेरिबल कॉर्टेक्स जो है वो क्या है, मेन एरिया है जो इन्वॉल्व होता है किसमें, आपकी थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, इमोशंस में, ठीक है, और आपके जो सेंसेस रहते हैं उनमें, जो सेंसेशन होता है हमारा उसमें, हम कहें कि परसेप्शन में। अब जाहिर सी बात है कि जो इथेनॉल है वो सेरिबल कॉर्टेक्स को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है, इसकी वजह से हमारी थिंकिंग अफेक्ट हो जाती है, डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो जाती है, साथ ही साथ हमारे इमोशंस, और हम ये कहें कि यहां तक कि हमारे परसेप्शन भी क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, अल्कोहल की वजह से। यानी कि अल्कोहल लिए तो ना तो आप सही से सोच पाएंगे, ना कोई डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। आपने देखा होगा कि अल्कोहल लेने के बाद में इंडिविजुअल जो है वो कोई डिसीजन सही से नहीं ले पाता, जो भी होगा देखा जाएगा, ये होता है कि चलो हाँ करते हैं, क्योंकि अल्कोहल ले रखी है तो डिसीजन मेकिंग तो आप में है नहीं, तो इस वजह से आप पर्टिकुलर जो है किसी भी चीज़ पे आप डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है, आपके इमोशंस अफेक्ट हो जाते हैं और इवन आपके जो परसेप्शन है वो भी क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए, जो अल्कोहल अगर इनटेक करता है उसका मतलब ये है कि इसमें ये ब्रेन के ये सारे पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, और उसी कारण से जो है वो पर्टिकुलर हमने देखा कि क्या क्या सिचुएशन हमारे सामने आती है, कि जैसे हिप्पोकैम्पस क्या हो गया, मेमोरी अफेक्ट हो गई। नेक्स्ट बात की हाइपोथैलेमस, तो क्या हो गया आपका बॉडी टेम्परेचर, सॉरी हार्ट रेट और आपकी हंगर और थ्रस्ट, तो हार्ट रेट तो कम हो जाती है और हंगर और थ्रस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो CNS डिप्रेसेंट है अल्कोहल, तो CNS के फंक्शन को सबको क्या कर देता है, ये डिप्रेस कर देता है। मेडुला की बात करें तो आपका बॉडी टेम्परेचर और ब्रीथिंग जो है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सेरिबेलम की बात करें तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन अफेक्ट हो जाता है, यानी कि इंडिविजुअल ना तो बैलेंस कर पाएगा ना कोऑर्डिनेट कर पाएगा। नेक्स्ट बात करें सेरिबल कॉर्टेक्स, तो थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, इमोशन, ये सब जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, इस वजह से इन सब में जो है वो अल्टरेशन पाया जाता है। इसलिए हमने कहा था कि अल्कोहल क्या है, साइको एक्टिव सब्सटेंस है। देखा आपने किस तरह से जो
अल्कोहल है वो मेंटल फंक्शन को अल्टर्ड कर देता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से जो अल्कोहल होता है जिसमें इथेनॉल पाया जाता है वो किस तरह से ब्रेन मेंटल फंक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। आगे देखते हैं कुछ इथेनॉल के इफेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करते हैं हम। देखिए क्या है, इथेनॉल जो होता है वो क्या होता है कि उसका इफेक्ट होता है किसके ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखेंगे साथ के साथ की पॉइंट बनाएंगे नोट करेंगे। न्यूक्लियस अकम्बेंस एंड अमाइग्डाला, न्यूक्लियस जो अकम्बेंस और अमाइग्डाला होता है उस पर भी इथेनॉल का इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है, इसको भी क्या कर देता है जो है वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है। और ये जो न्यूक्लियस अकम्बेंस और अमाइग्डाला है इसको क्या बोला जाता है, रिवार्ड सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है नोट करिएगा, क्या बोला जाता है, रिवार्ड सेंटर। यानी कि जाहिर सी बात है कि जैसा आपको कोई इनाम दिया जाए तो उस समय जो फीलिंग्स होती है, आपको जो खुशी होती है वो होती है रिवार्ड, रिवार्ड फीलिंग। यानी कि आपने, आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया तो आपको बहुत बढ़िया जो है आप यूफोरिक स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि आपको हैप्पीनेस फील होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इथेनॉल होता है वो न्यूक्लियस अकम्बेंस और अमाइग्डाला को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है, जिसको हमने क्या कहा, रिवार्ड सेंटर, जिसकी वजह से इंडिविजुअल में क्या होती है, प्लीजेंट और रिवार्ड फीलिंग, रिवार्डिंग फीलिंग पाई जाती है। प्लीजेंट और क्या पाई जाती है, रिवार्ड फीलिंग पाई जाती है, लाइक यूफोरिया, नोट करिएगा लाइक यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या पड़ा था, एक्सेसिव हैप्पीनेस, या फिर हम ये कहेंगे माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड विद इंक्रीज साइकोलॉजिकल वेलबींग। वापस रिवीजन भी करते चलो, क्या पढ़ा हमने, जो यूफोरिया होता है इसका मतलब क्या होता है कि माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड विद इंक्रीज साइकोलॉजिकल वेलबींग, इंडिविजुअल को लगता है सब बढ़िया है, एक वो प्लीजेंट जो है उसको एक्सपीरियंस होता है। तो इस प्लीजेंट यानी कि इस यूफोरिया स्टेट की वजह से इंडिविजुअल क्या होता है, मोर लाइकली टू ड्रिंक अगेन। जाहिर सी बात है कि कभी जैसे ये देखते हैं कि अल्कोहल जो होता है उसका बीटर टेस्ट होता है, मतलब अगर हम टेस्ट की बात करें तो उसका टेस्ट इतना कोई अच्छा नहीं होता है कि कोई वो रसना की जैसे लगता है, मीठा लगता है तो लोग पियेंगे उसको बार बार टेस्ट की वजह से, नहीं, अल्कोहल का टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है, बीटर होता है। पर फिर भी लोग उसको क्यों पीते हैं, कारण ये है कि जब ने पहली बार अल्कोहल पी तो उनको ऐसे लगा कि सब अच्छा है, प्लीजेंट, बोले यार बहुत बढ़िया है, बढ़िया चीज है ये तो, मजा आया इसको पी के, और साथ में क्या, रिवार्ड, मतलब आपको खुशी ऐसे लगा जैसे आपने वो बहुत बड़ा भारी काम कर दिया और आपको कोई इनाम मिला है, उस तरह की आपको खुशी हुई, यानी कि यूफोरिया हुआ। यानी कि माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड विद इंक्रीज साइकोलॉजिकल, अल्कोहल पीते ही इंडिविजुअल जो है वो दुनिया के सारे दुख दर्द जो है वो क्या हो गया, भूल गया। अब बताओ कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहा जाता है कि थकना मना है, तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल कहेगा कि यार एक अल्कोहल से ही जो है जितनी सारी समस्याएं थी वो सॉल्व हो गई, तो भाई और उसको मजा भी आया, तो भाई ऐसे जिस काम में आपको मजा आता है तो वो काम आप दोबारा क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। और वो करने का कारण क्या है कि ये यूफोरिया, इंडिविजुअल को यूफोरिया फील हुआ, ये यूफोरिया क्या करता है, मोर लाइकली टू ड्रिंक अगेन, इंडिविजुअल को मजबूर करता है कि वो दोबारा से पिए। और इसी तरह से क्या होता है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, इस तरह से फिर इंडिविजुअल क्या होता है कि जब कभी भी अब उसको क्या होगा, दुख होगा और वो अपने आप को रिलैक्स करना चाहेगा या यूफोरिया में ले जाना चाहेगा, तब वो किसका यूज करेगा, अल्कोहल का यूज करेगा। इसलिए कहा जाता है कि अल्कोहल जो है वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड यूज करने वाला, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला क्या है, साइको एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, आपने देखा बहुत सारे कबीर सिंह घूम रहे हैं, यानी कि अल्कोहल जो है पूरे वर्ल्ड की बात करें, इंडिया की बात नहीं कर रहे हम, पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अब्यूज करने वाला साइको एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इथेनॉल अफेक्ट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अभी हमने बात की, पहले भी बात की थी कि इंडिविजुअल अल्कोहल अगर कोई लेता है तो अल्कोहल में इथेनॉल होता है, इथेनॉल जो होता है वो किसको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्या बोला जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बोला जाता है थॉट प्रोसेसिंग सेंटर, नोट करिएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्या बोला जाता है, थॉट प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, अब थॉट प्रोसेसिंग सेंटर क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इसके फंक्शन को बढ़ाएगा तो नहीं, क्या करेगा, कम करेगा, डिप्रेसेंट है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, स्लोनेस ऑफ थिंकिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्लोनेस ऑफ थिंकिंग, इंडिविजुअल जो है वो कोई चीज को जल्दी से सोच नहीं पाएगा, उसको टाइम लगेगा। ठीक है, दिस रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन थिंकिंग एंड स्पीक क्लियरली, जिसकी वजह से क्या होता है, ना तो इंडिविजुअल थिंक कर पाता है सही से, और जाहिर सी बात है थिंक अगर सही से नहीं कर पाएगा तो सही से वो बोल भी नहीं पाएगा। आपको अच्छी तरह पता है कि अल्कोहल लेने के बाद में कोई किस तरह से बोलता है, मुंह टेढ़ा करके बोलता है तू मेरा भाई है, या इस तरह से कुछ बोलता है, क्यों नहीं बोलता, क्योंकि वो
थिंक क्लियरली नहीं कर पा रहा तो जाहिर सी बात है वो स्पीक भी क्लियरली नहीं कर पाएगा। क्लियर? कारण क्या है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमने क्या कहा, थॉट प्रोसेसिंग सेंटर। दो पॉइंट हो गए, रिवार्ड सेंटर कौन सा हो गया, न्यूक्लियस अकम्बंस और अमाइग्डाला। थॉट प्रोसेसिंग सेंटर कौन सा हो गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट बात करें, इथेनॉल अफेक्ट द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। किसको अफेक्ट करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या कहलाता है, बिहेवियर इनहिबिशन सेंटर। नोट कर लीजिएगा, क्या कहलाता है, बिहेवियर इनहिबिशन सेंटर, यानी कि बिहेवियर को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, विच मेकिंग पीपल मोर रिलैक्स्ड। कोई बिहेवियर नहीं पाया जाएगा, कोई स्टिमुलेशन, कोई सेंसेशन नहीं पाया जाएगा, जिसकी वजह से इंडिविजुअल क्या होता है, मोर रिलैक्स्ड एंड लेस सेल्फ कॉन्शियस, और लेस सेल्फ कॉन्शियस होता है। उसके कोई किसी भी प्रकार का दर्द दुख जो है वो कोई उसको फील नहीं होता, सेल्फ कॉन्शियस जो है वो कम होता है। देखा होगा आपने एल्कोहल लेने के बाद में इंडिविजुअल जो है उसको पता भी नहीं था वो कहाँ पड़ा है, कौन सी नाली में गिरा पड़ा है, कहाँ किस जगह पे है, ठीक है। वो अपने वो ये भी नहीं देखता कि उसके जो जाने वाले हैं उसको देख रहे हैं या वो किस जगह उसका घर है या क्या है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया, उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस अब बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि बिहेवियर इनहिबिशन सेंटर यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो क्या हो गया, अफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है उसमें वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? तो देखा आपने कि अल्कोहल जो है उसके कितने क्या क्या अफेक्ट हैं। क्लियर? चलिए, अगर इन बातों को समझ पाएंगे, ये देख पाएंगे कि अल्कोहल जो है वो किस तरह से कितना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालती है, तो हो सकता है कि आज मेरी क्लास के बाद में दो चार कबीर सिंह तो सुधर ही जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये मानूंगा कि मेरी जो ये क्लास में ये लेना मेरा क्या हो गया, सार्थक हो गया। बाकी इससे रिलेटेड अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, तो वैसे ही हमारा क्लास लेने का यूज तो है ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इथेनॉल जो है वो अफेक्ट करती है किसको, सेरिबेलम को। ये बात हम कर चुके हैं, सेरिबेलम क्या होता है, मूवमेंट और बैलेंस सेंटर होता है। क्या होता है, मूवमेंट और बैलेंस सेंटर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होता है, सेरिबेलम होता है। अब जाहिर सी बात है कि मूवमेंट और बैलेंस सेंटर अफेक्ट हो रहा है तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल को डिफिकल्टी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। न तो वो मूवमेंट कर पाता है न कोऑर्डिनेशन कर पाता है। देखा होगा आपने, मैंने पहले ही बताया आपको, मैंने पहली क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि या तो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा या फिर आपने देखा होगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है कि अल्कोहल लेने के बाद में इंडिविजुअल ना तो मूवमेंट प्रॉपर्ली कर पाता है ना कोऑर्डिनेट मूवमेंट प्रॉपर्ली कर पाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, इथेनॉल जो है उसका हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करती है, ये अफेक्ट करती है। अब ये दोनों क्या होते हैं कि बहुत सारे वेरियस हार्मोन्स को क्या करते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं वेरियस हार्मोन के सिक्रेशन के लिए या उनके रेगुलेशन के लिए। तो हम ये देखते हैं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अफेक्ट हो रही, उसके कारण से क्या पाया जाता है कि इंडिविजुअल में क्या होता है कि सेक्सुअल अराउजल बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि इंडिविजुअल में क्या होगा, सेक्सुअल अराउजल तो बढ़ जाएगा, यानी कि वो मतलब किसी जल्दी से क्या हो सकता है, सेक्सुअली अराउज हो सकता है। बट ये क्या होता है, डिक्रीज द एबिलिटी टू पर्सन टू इंगेज इन सेक्स। पर क्या होता है कि सेक्सुअली अराउज तो हो जाएगा, पर जो एबिलिटी होती है यानी कि जो हार्मोन ये एबिलिटी प्रोड्यूस करता है कि इंडिविजुअल जो है वो सेक्स में इंगेज रहे काफी लंबे समय तक या काफी टाइम तक, तो वो कैपेबिलिटी इंडिविजुअल की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान रखने हैं ये क्या कारण, ये कहा है मैंने कि सेक्सुअल अराउजल जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, साथ में सेल्फ कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, रीजनिंग कम हो जाती है, थिंकिंग जो है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, डिसीजन मेकिंग नहीं रहती है, मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाता है, सेंसेस नहीं रहते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, आपको पता है कि जितने भी मोस्ट ऑफ क्राइम्स होते हैं वो इन द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, यानी कि आपने सुना होगा अखबार में पढ़ा होगा कि शराब के नशे में जो है किसी ने मर्डर किया, किसी ने रेप किया, किसी ने कोई और कुछ मारपीट की, लूट कसोट की, सुना होगा आपने। ये क्यों होता है कि अल्कोहल जो है, अभी हमने देखा कि अल्कोहल के कितने सारे जो है वो नेगेटिव इफेक्ट हैं, और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अल्कोहल से क्या होता है, इंडिविजुअल सेक्सुअली अराउज जो होता है वो क्या हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ रेप केसेस जो होते हैं वो इन द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो अल्कोहल में इथेनॉल पाया जाता है उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं आपकी बॉडी और आपके माइंड पर। क्लियर? यहां से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन भी आते हैं तो उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया कि अल्कोहल में, या अल्कोहल बोलें चाहे इथाइल अल्कोहल बोलें चाहे इथेनॉल बोलें, इनका हमारे ब्रेन पे
पर्टिकुलर कौन से पार्ट पे क्या अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या सिचुएशन अराइज होती है, कौन सा ऑर्गन या हम कहें कि कौन सा ब्रेन का पार्ट पर्टिकुलर अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या क्या कंडीशन हमारे सामने आती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम, वो है ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन, या हम बोले ब्लड एल्कोहल कंटेंट, जिसको बोला जाता है BAC। क्या बोला हमने? ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन, या बोले ब्लड एल्कोहल कंटेंट। आपसे पूछ ले कि BAC क्या होता है, तो हम बोलेंगे ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन या कंटेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि BAC का मतलब ये होता है कि परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन ब्लड। क्या मतलब होगा इसका? परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन ब्लड। पहला एक क्वेश्चन क्लियर अपने? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब ये देखते हैं कि ये बीएससी क्या है। जाहिर सी बात, हमने देख लिया कि परसेंटेज कि अल्कोहल का परसेंटेज है किसमें? आपके ब्लड में। क्लियर, अब देखो क्या होता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि जनरली अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग जो होती है वो कहां से होती है? 0.0 से 0.05%। अगर आपके ब्लड में इथेनॉल का लेवल जो है वो कितना है? 0.0 से 0.05% है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि माइल्ड इंपेयरमेंट होगा। जो कोई इंडिविजुअल है जिसने पहली बार फर्स्ट टाइम ड्रिंकर है, तो उसके तो ये माइल्ड इंपेयरमेंट होगा, और जो बहुत टाइम से मतलब खिलाड़ी पड़े हैं इस खेल के, तो उनके तो कुछ नहीं होता है इसमें। तो हम ये देखते हैं ये माइल्ड इंपेयरमेंट होता है, तो हम ये देखते हैं कि माइल्ड इंपेयरमेंट है तो जैसी जाहिर सी बात है स्पीच, मेमोरी, कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, बैलेंस, परसेप्शन, इन सब में जो इंपेयरमेंट होता है वो कैसा पाया जाएगा? माइल्ड पाया जाएगा। क्लियर, पर ये कंसंट्रेशन बढ़ के कितनी हो जाती है? 0.06 से 0.15। यहां पे इस लेवल को हम ये बोल देते हैं कि ये क्या है? इंटॉक्सिकेशन है। ये क्या हो गया? इंटॉक्सिकेशन। यहां से मतलब यहां से जो है इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा आना चालू हो गया। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होता है कि ये लेवल आया तो इसको बोल दिया हमने इंटॉक्सिकेशन, इसको हमने क्या बोला? इंक्रीज इंपेयरमेंट। जो 0.00 से 0.05% पर जो माइल्ड इंपेयरमेंट था, अब वो इंपेयरमेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या हो गया? इंटॉक्सिकेशन हो गया, मतलब इतना लेवल बढ़ गया कि वो टॉक्सिक लेवल तक पहुंच गया। फिर हम देखते हैं 0.16 से 0.30% जो होता है वो क्या कहलाता है? सीवियर इंपेयरमेंट। क्या कहलाता है? सीवियर इंपेयरमेंट। तो अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया माइल्ड, ये हो गया मॉडरेट, और ये हो गया सीवियर। अब सीवियर इंपेयरमेंट पाया जाएगा तो देखो क्या? स्पीच, मेमोरी, कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, रिएक्शन टाइम, बैलेंस, सिग्निफिकेंटली इंपेयर्ड। सिग्निफिकेंटली इंपेयर्ड मतलब एक जो है मार्क्ड लेवल तक ये सारी की सारी जो फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और अल्टर्ड भी किस तरह से होंगे? कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ऑल ड्राइविंग रिलेटेड स्किल्स, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग डेंजरसली इम्पेयर्ड। और जो डिसीजन मेकिंग होती है, ड्राइविंग स्किल्स होती है, ये सब क्या हो जाती है? डेंजरसली क्या हो जाती है? इम्पेयर्ड हो जाती है। वोमिटिंग एंड अदर साइन ऑफ एल्कोहल पॉइजनिंग कॉमन। अब एल्कोहल पॉइजनिंग हो गई, जाहिर सी बात है कि इसको पॉइजनिंग लेवल बोल दिया हमने, क्योंकि ये सीवियर है तो वोमिटिंग पाई जाएगी। साथ में हम ये देखें अदर साइन, जैसे हेडेक होता है, पालपिटेशन होता है, ये आपने देखा होगा बहुत ज्यादा पी लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है? उल्टियां होती है। ठीक है, अब सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, चेस्ट पेन होने लग जाता है, तो ये क्या है? ये साइन जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमनली पाए जाते हैं। पर अगर ये लेवल बढ़ के कहां पहुंच गया? ये लेवल ही बढ़ के कहां पहुंच गया? आपके 0.31 से 0.45। तो ये क्या होता है भाई? ये लाइफ थ्रेटनिंग वो है। क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग लेवल है, परसेंटेज है किसका? एल्कोहल का ब्लड के अंदर। यानी कि यहां पे जो है वो क्या हो सकता है? सबसे पहले लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर हम बात करें क्या? कोमा, और देन फिर डेथ। ये जो है कंडीशन पाई जा सकती है इस कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन किसको माना गया? तो हम कहेंगे किसको माना गया कि यहां पे 0.06 से 0.15% जो होता है वो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन होता है। ठीक है, अल्कोहल पॉइजनिंग जो है वो किसको बोला गया? अल्कोहल पॉइजनिंग वो क्या है? 0.16 से 0.30% अगर परसेंटेज होता है इथेनॉल का ब्लड में, तो वो क्या है? अल्कोहल पॉइजनिंग है। समझिएगा मेरी बात को, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन वो लेवल कौन सा हो गया? ये अल्कोहल पॉइजनिंग का लेवल कौन सा हो गया? ये। और यहां पे ये लेवल जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब यहां पे इंडिविजुअल की जो है वो डेथ भी हो सकती है।
डेथ भी हो सकती है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि ब्रेन में किस तरह के इफेक्ट होते हैं। अल्कोहल बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो जाहिर सी बात है कि ये ब्रेन के सारे फंक्शन को यानी कि सीएनएस को बहुत ज्यादा क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा। जाहिर सी बात है फिर हार्ट रेट मिनिमम हो जाएगी, ब्रीथिंग मिनिमम हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर मिनिमम हो जाएगा और इस कंडीशन में इंडिविजुअल की जो है वो डेथ हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि ये अगर इतना कंसंट्रेशन पहुंच गया तो फिर वो भाई साहब आपके लिए डेंजर है, ठीक है। तो मतलब अगर कहा जाए तो पियो तो कौन से इस लेवल तक ही पियो, अगर इससे ज्यादा आपको नहीं पीनी है, क्योंकि आगे जो है वो क्या होता है, इंपेयरमेंट होता है जो जितने भी मेंटल और जो फिजिकल फंक्शन होते हैं उनमें, ठीक है। मैं वैसे कह रहा हूं, ओकेजनली बात कर रहा हूं, मेरे कहने से आप पीना स्टार्ट मत कर देना, ठीक है। तो ये क्लियर है यहां तक? तो ये हमने यहां पे इंपॉर्टेंट बात कर ली कि ये है बीएसी, ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन, मतलब परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन ब्लड। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से हम चीजों को जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथ के साथ उनको नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए फिर हम बात करते हैं कि लेवल ऑफ एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। अभी हमने देख लिया परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन ब्लड, इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि लेवल ऑफ एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन क्या होगा। तो हम ये कहते हैं कि BAL, ब्लड एल्कोहल लेवल, BAL मतलब ब्लड एल्कोहल लेवल, एमजी में बात करते हैं 20 से 50 एमजी पर डीएल, यानी कि अगर हम बात करें 0.02 से 0.05 होता है, तो ये क्या है कि हम ये कहेंगे कि ये क्या है, एक तरह से हम कहेंगे माइल्ड, कि ये क्या है, नो लीगल इंटॉक्सिकेशन। यहां तक अगर ये ब्लड इस कंसंट्रेशन तक है तो ये ब्लड एल्कोहल लेवल जो है इस लेवल तक है तो कोई लीगल इंटॉक्सिकेशन नहीं है। पर ये पहुंच गया के कैसे, इंपॉर्टेंट है स्टार लगा के लिख लेना, 8200 mg पर डीएल, ये क्या है, लीगल इंटॉक्सिकेशन है। क्या है? लीगल इंटॉक्सिकेशन है, यानी कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो और आपके ब्लड में अल्कोहल का लेवल कितना है, 8200 mg पर डीएल, तो वो क्या है, लीगली इंटॉक्सिकेशन है। मतलब आप जो है वो पुलिस जो है आप पे वो आपको अरेस्ट कर सकती है और आप पे चालान कर सकती है, क्योंकि ये लीगल इंटॉक्सिकेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंपेयर्ड एबिलिटी टू ड्राइव, कि यहाँ पे ड्राइविंग की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाती है और चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, एक्सीडेंट के, ठीक है। स्लर्ड स्पीच पाई जाती है, जैसे मैंने बताया मैं बोल नहीं पा रहा, पर आप समझ गए होंगे कि किस तरह अल्कोहल पीने के बाद में इंडिविजुअल वो है वो किस तरह से बोलता है। स्टेगरेट गेट, लड़खड़ा कर चलना, इंपेयर्ड सेंसरी फंक्शन, साथ ही साथ सेंसेशन भी क्या हो जाते हैं, इंपेयर्ड हो जाते हैं। अब देखो ये इसको लीगली इंटॉक्सिकेशन कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें इंडिविजुअल के क्या है, मेंटल फंक्शन, साथ ही साथ बॉडी के फंक्शन और इवन सेंसेस भी क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि विजुअल या हम ऑडिटरी अगर सेंसेशन उसको इंपेयर्ड हो रहा है तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शराब पीकर वाहन चलाना हानिकारक है। क्यों है, क्यों, इसलिए है कि अगर आप शराब पीकर वाहन चला रहे हैं तो एक्सीडेंट के 100% चांस जो है वो है, क्योंकि यहां पे क्या हो जाता है कि जितने भी मेंटल और फिजिकल फंक्शन है वो सब क्या हो रहे हैं, इंपेयर्ड हो रहे हैं। देख लो आप सभी के सेंसेस भी, आपकी कंसंट्रेशन, अटेंशन, ठीक है, जो बॉडी मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, ये सब। नेक्स्ट हम बात करें कि ये ब्लड एल्कोहल लेवल पहुंच गया कहां पे, 100 से 150 mg पर डीएल, तो ये क्या होता है, मार्कडली अनकोऑर्डिनेशन पाया जाता है, ग्रोस कोग्निटिव एंड जजमेंटल डिसोरिएंटेशन। यहां पे हम ये कहें तो इसको भी हम इजी वे में कह सकते हैं कि ये माइल्ड हो गया, ये मॉडरेट हो गया और ये क्या हो गया, सीवियर हो गया, ठीक है। तो यहां पे जो ग्रोस कोग्निटिव यानी कि मेंटल फंक्शन, साथ साथ जजमेंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंपेयर्ड हो जाएगा। अबो 200 mg पर डीएल, अबो 200 कोई जो है वो बहुत आज अच्छी पार्टी करके आया है, तो उसमें ब्लड जो है वो कितना है, वो जो बीएल कितना है, 200 mg से ज्यादा, तो ये क्या होता है, नोटेबल इंपेयर्ड सेंसरी एंड मोटार फंक्शन, यानी कि जितने भी सेंसरी और मोटार फंक्शन है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, इंपेयर्ड हो जाएंगे। क्लियर? एंड अबो 300 mg पर डीएल, यानी और ये क्या है, पोटेंशियल फॉर कार्डियोवेस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी कोलैप्स, यानी कि अगर इससे ऊपर यानी कि 300 या 300 से ज्यादा mg पर डीएल ब्लड एल्कोहल लेवल होता है
तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल में कार्डियोवेस्कुलर यानी कि कार्डियक और रेस्पिरेटरी जो है वो कोलेप्स पाया जा सकता है, इंडिविजुअल की सडन डेथ पाई जा सकती है, ठीक है, इंडिविजुअल कोमा में जा सकता है या फिर उसकी डेथ हो सकती है, क्लियर। तो हमने ये देखा कि क्या है, ब्लड एल्कोहल लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इनमें से क्वेश्चन, तो आपको ध्यान हो गया ना कि यहाँ पे लीगली इंटॉक्सिकेशन क्या है, 80-200 mg/dL, और यहीं से इंटॉक्सिकेशन जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल, यानी कि अब हम बात करें कि एल्कोहलिज्म में जो है वो सिम्टम्स क्या क्या पाए जाते हैं। वैसे अगर हम बात करें जनरली, अगर बात करें तो ये तो जीके का क्वेश्चन है कि एल्कोहल जो लेते हैं उनमें क्या क्या सिम्टम पाए जाते हैं, ये तो जीके का क्वेश्चन, हम भी बता सकते हैं कि स्लर्ड स्पीच पाई जाती है, पता है सबको, इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पाए जाते हैं, सही से वो चल नहीं पाते उनमें, ये हम ये कहें कि डिमेंशिया पाया जाता है, कि मेमोरी इंपेयरमेंट पाया जाता है, कंसंट्रेशन और अटेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये तो हम सबको ये क्या है कॉमनली पता है कि ये सब जो उनमें पाया जा सकता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि उसका मेनली बॉडी पर एल्कोहल जो है उसका बॉडी पर अफेक्ट जो होता है वो किस तरह से होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट करते हैं ब्रेन से, तो ब्रेन में क्या पाया जाएगा, मेमोरी लॉस, मूड स्विंग और साथ में क्या, डिमेंशिया। अब ये ब्रेन के इफेक्ट हम बहुत अभी पहले पढ़ चुके हैं, तो बार बार हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि ब्रेन में एल्कोहल का क्या इफेक्ट होता है, कि मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी कि एल्कोहल में डिमेंशिया पाया जाता है, मूड स्विंग्स पाए जाते हैं, इंडिविजुअल जो है उसमें क्या है मूड स्विंग होते हैं, पहले क्या होता है जैसे हमने किस में पढ़ा था, बाइपोलर डिसऑर्डर में, डिमेंशिया पाया जाएगा यानी कि मेमोरी इंपेयरमेंट, क्लियर। तो ये हो गया ब्रेन अफेक्ट, ठीक है। चलो फिर नीचे आओ, इसोफेगस पे आ गए, इसोफेगस की बात करें तो ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेज, यानी कि हम ये बात करें कि एल्कोहल जो है वो क्या होता है, जैसे हमने कहा कि एसिड प्रिपरेशन है, तो जैसे वो इसोफेगस में जाएगा तो वहां पे वो क्या कर सकता है कि इसोफेगस की म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा और वहां पे ब्लीडिंग पाई जा सकती है। और आगे अगर हम आगे अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये वहां पर कैंसर भी कोज कर सकता है, क्लियर। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, लंग्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, लोअर लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ब्रीथिंग डिफिकल्टी हमने देखा था क्या, मेडुला अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या है वहां पे ब्रीथिंग जो है वो क्या हो जाती है, ब्रीथिंग सेंटर क्या होता है, सप्रेस होता है, तो जिसकी वजह से इंडिविजुअल में ब्रीथिंग डिफिकल्टी पाई जाती है, ठीक है। फिर लंग्स के बाद में बात करें किसकी, हार्ट की, हार्ट में ये डिसरिदमिया कोज कर देता है, मे बी अगर एल्कोहल ज्यादा लिया तो स्ट्रोक आ सकता है और हाई ब्लड प्रेशर, और साथ में क्या पाया जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें मस्कुलर सिस्टम की, तो मस्कुलर में क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस पाई जाती है, और साथ में अगर क्रोनिक एल्कोहलिज्म है तो क्या पाई जाएगी, मस्कुलर वास्टिंग पाई जा सकती है, क्लियर। फिर हम पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि पेनक्रियाटाइटिस जो है वो पाया जाता है। जो लीवर होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है कहां पे, लीवर में, ध्यान रखिएगा एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कहां होता है, लीवर में। तो लीवर क्या हो जाता है, सोलोन हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, साथ में साथ उसके पाया जाता है हेपेटाइटिस, ठीक है। मे बी अगर क्रोनिक एल्कोहलिज्म है तो लीवर कैंसर भी पाया जा सकता है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि लीवर सिरोसिस का मेन कारण होता है वो क्या होता है, एल्कोहलिज्म, क्लियर। चलिए स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में सबसे कॉमन कंडीशन पाई जाती है एल्कोहल, मैंने बताया कि एसिड प्रिपरेशन में इंडिविजुअल भूखे पेट की कर रहा है, एल्कोहल का इंटेक कर रहा है, तो उससे क्या हो जाता है कि गैस्ट्रिक अल्सर या हम कहें पेप्टिक अल्सर पाए जाते हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है, साथ ही साथ क्या पाई जाती है, वोमिटिंग पाई जाती है जब एल्कोहल का ज्यादा इंटेक कर लिया, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये क्या है, सिम्टम्स एंड इफेक्ट ऑफ एल्कोहलिज्म, यानी कि हमने एल्कोहल का इफेक्ट ब्रेन पे भी देख लिया, अब किस पे देख लिया, बॉडी पे भी देख लिया, ठीक है। तो अब ये आपकी चॉइस है कि अगर कोई सब्सटेंस जो है वो ऐसा है कि जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करने के साथ साथ आपकी बॉडी को भी इस तरह से इतने नेगेटिवली जो है वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो चॉइस इज योर्स, आप वो सब्सटेंस जो है वो यूज करना चाहेंगे या नहीं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गए सिम्टम्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर फीचर की, जो कॉमन है, जो हम जानते भी हैं उनके बारे में, जैसे स्लर्ड स्पीच है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट और अनस्टडी गेट है, बिंज ड्रिंकिंग, मतलब बिंज ड्रिंकिंग का मतलब कि एल्कोहलिज्म का क्लाइंट है यानी कि क्रोनिक एल्कोहल यूज कर रहा है, तो उसमें बिंज ड्रिंकिंग मतलब एक ही टाइम में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्रिंक यानी कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल जो है वो क्या करेगा, इनटेक करेगा, क्लियर। नेक्स्ट पाया जाता है कंफ्यूजन एंड
अटैक एंजाइटी, साथ भी मैंने कहा कि अटेंशन और कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, साथ ही साथ सीएनएस जो होता है क्या होता है, डिप्रेस होता है, जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस का लेवल भी धीरे धीरे क्या होता है कम होता है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन और एंजाइटी पाई जाएगी। इनएबिलिटी टू एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, मैंने कहा कि एल्कोहल साइको एक्टिव है, यानी कि यूफोरिया स्टेट कोज करता है, एल्कोहल ली यूफोरिया हुआ तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को एल्कोहल से दूर नहीं कर पाएगा, वही शाम की 6 बजे और ठिकाने पे। नेक्स्ट अटेंशन एंड कंसंट्रेशन डेफिशिट, हमने बात की अटेंशन और कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है कम हो जाती है। फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी इंपेयरमेंट होता है तो इंडिविजुअल में क्या होता है फॉरगेटफुलनेस होता है, जैसे आपने देखा होगा जनरली ये देखा होगा कि रात को उसने एल्कोहल पी के, या जो एल्कोहलिज्म का क्लाइंट होता है रात को एल्कोहल पी के क्या धूम धड़ाका किया, बहुत कुछ उसने नाटक किए, पर वो रात को नाटक कर करा के सो गया, सुबह उसको कहा गया कि यार रात को तूने पता नहीं कि क्या क्या किया था, बोले कहाँ मैंने क्या किया ये किया, क्यों, क्योंकि वो उसको रात की बातें याद नहीं रहेगी, ठीक है, तो फॉरगेटफुलनेस पाई जाती है। साथ ही साथ जो कबीर सिंह बने हुए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बात कि जो एल्कोहल है एल्कोहलिज्म है उसका ये कॉम्प्लिकेशन भी है, या हम ये कहें कि ये जो है इफेक्ट भी है कि वो इम्पोर्टेंस कोज करता है मेल में, क्या कोज कर देगा इम्पोर्टेंस कोज कर देगा, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये पाया गया है कि एल्कोहल से जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, तो अगर कोई एल्कोहल का क्रोनिक यूज करता है तो उसमें इम्पोर्टेंस जो है वो पाई जा सकती है, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा चॉइस इज योर्स, कबीर सिंह पढ़ने से पहले ये चीज जो है वो जरूर देख लेना, जरूर पढ़ लेना, या ये लेक्चर जरूर देख लेना, सो सकता है कि आपका विचार बदल जाए, क्लियर। तो हमने ये देखा कि ये क्या है, सारे के सारे क्या है फीचर्स हैं जो कि एल्कोहलिज्म में पाए जाते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, अभी हमने देखे सिम्टम्स, अब हम बात कर रहे हैं किसकी कॉम्प्लिकेशन की, यानी कि कॉम्प्लिकेशन अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो क्रोनिकली क्या कर रहा है यूज कर रहा है किसका एल्कोहल का, तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या क्या पाए जा सकते हैं, और यहां कॉम्प्लिकेशन से एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पक्का आता है एग्जाम में, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो कॉम्प्लिकेशन क्या है, जनरल अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या होता है इंसोमिया, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, इन सब के कारण हमारे को पता है इंडिविजुअल में जो है वो क्या पाई जा सकती है सुसाइड पाया जा सकता है, क्योंकि हमने कहा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो क्या हो गया बिल्कुल सप्रेस हो गया, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रही, रीजनिंग जजमेंट कुछ नहीं रहा, तो इंडिविजुअल थॉट ब्लॉक पाया जाएगा और वो क्या कर सकता है सुसाइड कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन पाया जाएगा, साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, किसमें मेन में, कबीर सिंह वाले नोट करें इस चीज को, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पाया जाएगा, ब्लीडिंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मैंने कहा कि पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं जिसकी वजह से हो सकता है मे बी जो है वो ब्लीडिंग पाई जाए, किसमें गैस्ट्रिक ट्रैक में, इसोफेजियल ये बात करें या हम बात करें कि स्टोमक में पेप्टिक अल्सर है उनकी वजह से। महिलाएं भी ध्यान दें, क्योंकि आजकल क्या होता है कि महिलाएं जो है वो पुरुषों का हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है, ठीक है, तो वो भी ध्यान दें कि वो भी एल्कोहलिज्म में ज्यादा मेन से पीछे नहीं है, क्योंकि उनमें भी आजकल ये चीजें पाई जा रही है, तो वो भी ध्यान दें कि अगर कोई महिला है और वो एल्कोहल का यूज करती है क्रोनिकली यूज करती है तो उनमें क्या पाया जा सकता है कि मेंस्ट्रुएशनल अबनॉर्मलिटी पाई जा सकती है, यानी कि उनमें अबनॉर्मल मेंसेस पाए जा सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होगा उससे रिलेटेड अबनॉर्मलिटी उनमें पाई जाएगी, क्लियर। कैंसर ऑफ द लीवर इसोफेगस एंड द कोलोन, अगर क्रोनिक एल्कोहल है तो कैंसर पाया जा सकता है कि हम स्टार्ट से करते हैं माउथ का, इसोफेगस का, ठीक है, स्टोमक, ठीक है, साथ साथ लीवर और कोलोन का जो है वो कैंसर पाया जा सकता है। तो ये तो क्या हुआ कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, अब जो स्पेशल कॉम्प्लिकेशन होते हैं हम उनकी बात करते हैं जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए बात करते हैं, देखिए मैंने कहा कि एल्कोहलिज्म का अगर क्रोनिक यूज होता है तो उससे न्यूरोलॉजिकल जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी अराइज होते हैं। देखो क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो क्रोनिक एल्कोहलिज्म का यूज कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, स्टार लगा लीजिएगा, चांद तारे जो भी लगाना चाहें वो सब लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोनिक एल्कोहलिज्म का ये कॉम्प्लिकेशन है कि क्रोनिक एल्कोहलिज्म की वजह से विटामिन कौन सा B1, विटामिन B1 की क्या हो जाती है डेफिशिएंसी हो जाती है, क्या हो जाती है विटामिन B1 की क्या हो जाती है डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा कि जो एल्कोहल है वो मेटाबोलाइज कहाँ होती है लीवर में, और लीवर के सारे फंक्शन को क्या कर देती है
अब नॉर्मल कर देती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि थायमिन डेफिशिएंसी पाई जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्रेन टिश्यूज हैं उनमें इस्कीमिया पाया जाएगा और आगे जाके ये क्या कोज करेगा, वहाँ की सेल डेथ कोज करेगा, जिसकी वजह से दो कंडीशन अराइज होती है, वर्निकेज एंसिफिलोपैथी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम। दो कंडीशन पाई जाती है, क्या क्या पाई जाती है भाई, वर्निकेज एंसिफिलोपैथी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम। देखो वर्निकेज एंसिफिलोपैथी क्या होती है कि एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट, क्या पाया जाएगा इसमें, एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट होती है, साथ ही साथ ऑप्थेल्मोप्लेजिया, साथ में क्या पाया जाएगा, ऑप्थेल्मोप्लेजिया। नोट करिएगा कि जो आई मूवमेंट है वो कैसे हो जाएंगे, अबनॉर्मल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अबनॉर्मल हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या पाया जाता है, अटैक्सिया पाया जाता है। अटैक्सिया का मतलब क्या होता है, इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। और ये तीनों सिम्टम जो है वो क्या किसके कहलाएंगे, वर्निकेज एंसिफिलोपैथी के। क्लियर। दूसरी बात करते हैं किसकी, कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, वो दिल्ली एम, सफदरजंग, डीएसएसबी सब में पूछा गया है। तो कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो है उसमें क्या पाया जाएगा, अमनेशिया पाया जाएगा, साथ ही साथ कॉन्फाबुलेशन पाया जाएगा, स्टार लगा लेंगे, बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। कॉन्फाबुलेशन कोर्साकॉफ सिंड्रोम में पाया जाता है एल्कोहलिज्म में, थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से। कॉन्फाबुलेशन क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो मेमोरी गैप्स को फिल करने के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन का यूज करता है, वो चीज क्या होती है, कॉन्फाबुलेशन होती है। तीसरी चीज क्या होती है, साइकोसिस। साइकोसिस बोले तो साइकोसिस हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि मे बी चांस है कि इसमें जो है वो साइकोटिक सिम्टम भी पाए जाएं, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, साइकोसिस बोल दिया। तो ये सारे सिम्टम जो होंगे वो किसमें आएंगे, वो किसमें आएंगे, कोर्साकॉफ सिंड्रोम में। और ये दो कंडीशन सामने आ रही, कौन कौन सी, वर्निकेज एंसिफिलोपैथी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ये दोनों का कारण क्या है, मेन कारण तो क्या है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, ठीक है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म का कॉम्प्लिकेशन है। पर इनका मेन कारण क्या है कि क्या हो रही है, थायमीन डेफिशिएंसी। क्या हो रही है भाई, थायमीन डेफिशिएंसी। तो पूछा जाता है कि क्रोनिक एल्कोहलिज्म में वर्निकेज एंसिफिलोपैथी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम पाए जाने का क्या कारण है, हम कहेंगे कि हमारे को पता है कि थायमिन डेफिशिएंसी पाई जाती है, यानी कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। इनके फीचर्स हमने पढ़ लिए कि वर्निकेज एंसिफिलोपैथी में क्या होगा और कोर्साकॉफ सिंड्रोम में क्या होगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है सबके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए कि जनरली हमने देखा कि न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम कॉम्प्लिकेशन है वो कौन कौन से हो गए, वर्निकेज एंसिफिलोपैथी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम। कई बार क्या होता है कि इनके जो सिम्टम है वो मिक्स में पाए जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, वर्निकेज कोर्साकॉफ साइकोसिस। क्या बोला जाएगा, वर्निकेज कोर्साकॉफ साइकोसिस, मतलब दोनों को कंबाइंड कर दिया और कुछ नहीं किया। अब कंबाइंड कर लिया तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, कोट रेक से याद रख सकते हैं, कोट रेक से जो है हम इसको याद रख सकते हैं, किसको, दोनों को याद रख सकते हैं। सी फॉर कंफ्यूजन, O फॉर ऑप्थेल्मोप्लेजिया मतलब अबनॉर्मल आई मूवमेंट, A फॉर अटैक्सिया और हो रहा क्यों है, थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से। बोलो क्लियर है कि नहीं है, कोई लॉजिक मतलब इतनी कोई बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। कंफ्यूजन हुआ, ऑप्थेल्मोप्लेजिया हुआ, अटैक्सिया और क्या हुआ, थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। कोर्साकॉफ कैसे याद रखें, रेक से। R फॉर रिट्रोग्रेड अमनेशिया, A फॉर एंट्रोग्रेड अमनेशिया, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जो कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, मेमोरी इंपेयरमेंट, यानी कि अमनेशिया पाया जाता है। अमनेशिया के दो टाइप पाए जा रहे हैं, रिट्रोग्रेड और एंट्रोग्रेड, ठीक है। साथ ही साथ सी फॉर कॉन्फाबुलेशन और के फॉर कोर्साकॉफ साइकोसिस, यानी कि उसमें साइकोटिक सिम्टम भी पाए जा सकते हैं, तो हमने बोला कोर्साकॉफ साइकोसिस। बताओ क्लियर है कि नहीं है, कोई बिल्कुल सिंपल चीज है। तो हम इनको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, कैसे, कोट रेक से, दोनों को हम जो है वो याद रख सकते हैं। क्लियर है भाई सबके, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं, ये तो हो गए कॉम्प्लिकेशन, नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कोहल विड्रावल सिम्टम। देखो अभी तक हमने बात की कि अल्कोहल है जो, अल्कोहल के सिम्टम पढ़ लिए, अल्कोहलिज्म क्या होता है ये देख लिया, उसके इफेक्ट देख लिए। अब हमने देखा कि अल्कोहल जो होती है वो क्या करती है कि मेंटल और फिजिकल क्या करती है, डिपेंडेंस कोज करती है। अब अगर आपको कोई चीज, आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई चीज आपको प्यारी लग रही है, मतलब आपको उससे यूफोरिया हो रहा है, प्लेजर फील हो रहा है, तो आप उस चीज से दूर होना क्यों चाहेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर आप जिस चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो और वो चीज आपसे दूर हो जाए, समझ रहे हो ना, क्रोनोलॉजी समझो, अगर वो आप जिस चीज को चाहते हो वो चीज आपसे दूर हो जाए, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी होगी। अब हम ये देखते हैं कि अल्कोहल, अल्कोहल पीने वाले के लिए क्या होती है, बहुत प्यारी चीज होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जब अल्कोहल को उससे विड्रॉ कर लिया जाता है, यानी कि अल्कोहल
उसको नहीं मिल रही है अल्कोहल, उससे दूर हो गई। तो जाहिर सी बात है बॉडी जो है डिपेंड थी, माइंड भी डिपेंड था, तो ये दोनों उनकी क्या करेंगे, मांग करेंगे कि लाओ भाई आने दो अल्कोहल, पर अल्कोहल नहीं मिलेगी। अब नहीं मिल रही कोई चीज तो बॉडी भी अभी सिम्टम चालू और मेंटल सिम्टम भी चालू। और जब अल्कोहल नहीं मिलने के कारण बॉडी और माइंड दोनों से जो सिम्टम अराइज होंगे वो क्या कहलाएंगे, अल्कोहल विड्रावल सिम्टम। क्लियर? देखिए अल्कोहल विड्रावल सिम्टम के बारे में अगर बात करें तो अल्कोहल विड्रावल सिम्टम क्या होते हैं, हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग विड्रावल द मोस्ट सीवियर सिम्टम कैन डेवलप 2 to 3 days। नोट करेंगे कब आएंगे सबसे ज्यादा सीवियर अल्कोहल विड्रावल सिम्टम, कब आएंगे, यानी कि 2 से 3 दिन पे। यानी कि अगर मैं घंटे की बात करूं तो कितने हो गए, 48 to 72 hours। यानी कि ये कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल विड्रावल सिम्टम जो है वो पीक पर कब आते हैं, पीक का मतलब सबसे ज्यादा कब पहुंच होते हैं, तो हम कहेंगे 2 से 3 दिन या 48 से 72 घंटे। ठीक है, आफ्टर द लास्ट ड्रिंक, लास्ट ड्रिंक ली उसके 2 से 3 दिन बाद में या 48 से 72 घंटे बाद में। विड्रावल सिम्टम टिपिकली रिसॉल्व आफ्टर 5 to 7 days, यानी कि 2 से 3 दिन पर तो पीक पे पाए जाएंगे और 5 से 7 दिन बाद में वो जो है वो रिसॉल्व होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि यहां पे हम ये देखते हैं कि जैसे स्टार्ट हुआ 2 से, हमने कहा क्या कहा कि 2 से चालू हो रहा है, ठीक है, लास्ट ड्रिंक के बाद में माइल्ड मतलब एंजाइटी हेडेक और इंसोमिया, एंजाइटी होगी हेडेक होगा और साथ में क्या होगा इंसोमिया होगा, फिर वो कार्विंग क्या होगी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो फिर सिम्टम क्या आएंगे, स्वेटिंग पाई जाएगी, रैपिड हार्ट बीट पाई जाएगी, हाई बॉडी टेम्परेचर पाया जाएगा। ठीक है, फिर हम कहेंगे सीवियर जो है डे 3rd or 4th पे, तो हम ये कहेंगे कि विजुअल और ऑडिटरी क्या हेलुसिनेशन पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ क्या पाए जा रहे हैं, सीजर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल विड्रावल जो होते हैं सिम्टम उनकी क्या होती है, सीवियरिटी धीरे धीरे क्या होती है बढ़ती है, पीक पे कब पहुंचते हैं 2 से 3 दिन के बीच में। तो हम ये देखते हैं कि जब पीक पे पहुंचेंगे, यानी कि हम ये मान लें कि ये 2 से 3 दिन या 3rd से 4th दिन के बीच में, तो ये जो है सीवियर सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकते हैं, तो वो चीज क्या कहलाएगी, अल्कोहल विड्रावल सिम्टम। यहां पे हमने बात की कि अल्कोहल विड्रावल सिम्टम कॉमनली कौन से होते हैं, एंजाइटी होती है, हेडेक होता है, इंसोम्निया होता है, साथ ही साथ स्वेटिंग, रैपिड हार्ट बीट जो है वो पाई जाएगी, हाई बॉडी टेम्परेचर पाया जाता है, और विजुअल या ऑडिटरी हेलुसिनेशन पाए जाएंगे, साथ ही साथ इंडिविजुअल में क्या आते हैं, सीजर्स पाए जा सकते हैं। तो ये तो क्या है, कॉमन अल्कोहल विड्रावल सिम्टम है, तो इंडिविजुअल जैसे अल्कोहल से विड्रॉ होगा, दूर होगा, तो ये सिम्टम जो है वो डे बाय डे जो है उनमें पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे हम बात करते हैं कि अल्कोहल विड्रावल में भी जैसे कॉम्प्लिकेशन में इंपॉर्टेंट बात थी, वैसे हमारे लिए अल्कोहल विड्रावल में भी एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो हम उसको देखते हैं कि जो अदर विड्रावल सिम्टम आते हैं, जैसे हम बात करें कि अदर विड्रावल में क्या आ गया, एनोरेक्सिया आ गया, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, डिलेरियम ट्रीमेंस, क्या है, डिलेरियम ट्रीमेंस, इसकी अब आगे डिटेल में बात करते हैं, बाकी देख लेते हैं। तो ये सब क्या है, एनोरेक्सिया, जैसे अल्कोहल इंड्यूस अमनेसिया, एल्कोहलिक सीजर्स, ट्रेमर्स, कन्वल्जन, हाइपरटेंशन, टेकीकार्डिया, हेलुसिनेशन, जर्की मूवमेंट, अटैक्सिया, ये सब जो है वो क्या है, कॉमन अल्कोहल विड्रावल सिम्टम्स हैं जो इंडिविजुअल में अल्कोहल विड्रॉ, अल्कोहल से विड्रॉ होने पर पाए जाएंगे। जो स्पेशल आया वो क्या है, डिलेरियम ट्रीमेंस, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। क्लियर, ये कॉमन है, आपको सबको पता है, इसके बारे में हमने अभी जो लास्ट स्लाइड थी उसमें भी बात की। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलेरियम ट्रीमेंस की, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे इसके 2 बढ़िया से स्टार लगा देंगे और लिख भी देंगे कि इंपॉर्टेंट। क्लियर, डिलेरियम ट्रीमेंस, पहले तो देखो इसको समझो, डिलेरियम का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि मेमोरी इंपेयरमेंट हो रहा है, ट्रीमेंस मतलब ट्रेमर्स, तो जाहिर सी बात है दो बातें तो हमारे दिमाग में आई गई कि डिलेरियम ट्रीमेंस में कॉन्शियसनेस इंपेयरमेंट होगा, साथ ही साथ ट्रेमर्स तो पाए जाएंगे, ये तो पक्का है, तो ये दो फीचर तो हो गए, तो दो फीचर तो लॉक कर देते हैं कि देखो शेक्स मतलब ट्रेमर्स, और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन कब होता है, जब कॉन्शियसनेस क्या होती है, कम होती है, बोलो सही बात है, मैंने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। उसके अलावा हम ये देखते हैं क्या, हेलुसिनेशन पाए जा रहे हैं, डेल्यूजन पाए जा सकते हैं, फीवर हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है, साथ में क्या हो रहा है, हेवी स्वेटिंग और स्वीवरिंग पाई जा रही है, तो ये क्या होता है, डिलेरियम ट्रीमेंस। ठीक है, अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, ये पीक पे होते हैं कब, 24 to 48 आवर्स पे, मतलब 2 से 3 दिन।
मतलब वही वाली बात होगी कि 2 से 3 दिन, मतलब 1 से 2 दिन, सॉरी, दो 1 से 2 दिन। तो हम ये बात करेंगे जनरली जो है वो कब, ये डिलीरियम ट्रीमेंस जो है वो दूसरे दिन या हम कहें तीसरे दिन जो है वो पीक पे पाए जाते हैं। सिम्टम्स वही आएंगे, शेकिंग, वॉमिटिंग, इंक्रीज पल्स रेट, बीपी, टेम्परेचर, स्वेटिंग, और साथ साथ इनकी खास बात होती है कि इसमें हेलुसिनेशन भी पाए जाते हैं, यानी कि विजुअल और ऑडिटरी दोनों हेलुसिनेशन जो है वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये इसमें क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये हार्ट बनाया हुआ है और यहाँ पे ये बीपी कफ लगाया हुआ है, तो हार्ट रेट बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है अगर एल्कोहल विड्रावल का क्लाइंट है, अब यहाँ पे उसमें आ जाओ, इंटरवेंशन वाले क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्योंकि हमसे पूछे जाते हैं तो हमको तैयार रहना है। हम ये देखते हैं कि एल्कोहल विड्रावल सिम्टम फील हो रहा है क्लाइंट को और डिलीरियम ट्रीमेंट्स आ रहे हैं, तो इंटरवेंशन बताओ, तो हम क्या करेंगे, बीपी कफ लगाएंगे, क्योंकि बीपी मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि हाइपरटेंशन पाया जाता है, इरेगुलर और रैपिड हार्ट बीट पाई जाती है, तो हम जो है वो हार्ट बीट का भी क्या करें जो है वो क्या करेंगे, और कार्डियक जो फंक्शन है वो भी क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ठीक है, साथ साथ हम ये देखते हैं कि हेड ऑफ बेड जो है वो थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे आईसीपी जो है वो अगर ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो, सीजर्स जो आते हैं ना उसकी वजह से। दूसरा हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो है वो क्या है कि उसको लग रहा है कि कीड़े रेंग रहे हैं, मतलब हेलुसिनेशन हो रहा है टाइप ऑफ, सम टाइम जो है डिलीरियम ट्रीमेंस में टेक्टाइल हेलुसिनेशन भी पाया जाता है या जा सकता है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। साथ में साथ फीवर होता है तो हम कोल्ड एप्लीकेशन भी उसमें देते हैं। तो ये डिलीरियम ट्रीमेंस है जो सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट सीवियर एल्कोहल विड्रावल सिम्टम है, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। क्लियर, फीचर्स कैसे याद रखेंगे, नाम से डिलीरियम ट्रीमेंस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ट्रेमर्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, साथ में हम ट्रेमर्स आ रहे हैं, बॉडी मूवमेंट बढ़ रहे हैं, यानी कि फीवर पाया जाएगा, ठीक है, हेलुसिनेशन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिलीरियम ट्रीमेंस। बताओ क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया एल्कोहल विड्रावल, अब हम बात करेंगे किसकी, मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट भी एल्कोहलिज्म का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैनेजमेंट में बात करते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन की, किसकी बात करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन। अब आपसे कोई पूछा जाए कि क्वेश्चन आ गया ये कि ड्रग ऑफ चॉइस इन एल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन, अब उस ऑप्शन में आपको डाइसल्फिरम भी जरूर देखने को मिलेगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डाइसल्फिरम को सही आंसर मान लेते हैं, पर देखिए हम यहाँ पे बिल्कुल, मैंने कहा पहले कहा था कि बिल्कुल बेसिक क्लियर करते चले हुए, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ द एल्कोहल विड्रावल सिम्टम। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि एल्कोहल विड्रावल सिम्टम्स जो आ रहे हैं उनका मैनेजमेंट, और एल्कोहल विड्रावल जो सिम्टम्स आते हैं उनकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो क्या होती है, बेंजोडाइजेपिन्स, नोट कर लीजिएगा, क्या होती है भाई, बेंजोडाइजेपिन्स इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्कोहल विड्रावल सिम्टम, बहुत सी बार आया हुआ है। और कौन कौन सी, जैसे क्लोरडाइजेक्सीपॉक्साइड, डोज क्या होगी, 80 to 200 mg पर डे। दूसरी हम बात करें डाइजापाम, तीसरी जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, लोरेजेपाम, तीनों में से कोई सी भी आ सकती है। डाइजापाम की डोज क्या होगी, 40 to 80 mg पर डे। तीसरी ड्रग हो सकती है लोरेजेपाम, यानी कि बेंजोडाइजेपिन्स क्लास की जो ड्रग्स होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, एल्कोहल विड्रावल सिम्टम की। याद रखिएगा, एल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन बोलें या एल्कोहल विड्रावल सिम्टम का मैनेजमेंट बोलें, उनमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी आपकी, बेंजोडाइजेपिन्स क्लास की ड्रग, कौन कौन सी, क्लोरडाइजेक्सीपॉक्साइड, या हम कहें डाइजापाम, या हम कहें लोरेजापाम, ये तीनों ड्रग्स जो होती है वो क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है एल्कोहल विड्रावल सिम्टम की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने मैनेजमेंट किया किसका, एल्कोहल विड्रावल का। अब हमारे को ये देखना है कि मैनेजमेंट करेंगे हम किसका, एल्कोहलिज्म का। ये तो हमने वो जो पिछला मैनेजमेंट देखा वो तो क्या था कि एल्कोहल ले रहा था, छोड़ रहा है, तब सिम्टम आ रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब हम जब इंडिविजुअल ले रहा है तब क्या करें, तो देखो जब इंडिविजुअल एल्कोहल लेता है, यानी कि हम मैनेजमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म की बात करें, तो उसमें यूज की जाती है क्या, एल्कोहल डिटरेंट थेरेपी। कौन सी थेरेपी, एल्कोहल डिटरेंट थेरेपी, ध्यान से सुनिएगा, इजी तरीके में पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे, एल्कोहल डिटरेंट थेरेपी। एल्कोहल डिटरेंट, डिटरेंट का मतलब ये एल्कोहल लेते ही इंडिविजुअल में क्या होगा, डिटरेंट डेवलप होगा। डिटरेंट का मतलब हम ये कहें कि नेगेटिव इफेक्ट, बहुत ही, अगर ये कहें कि एक तरह से क्या होगा, बहुत कड़वा एहसास होगा उसको, तो वो चीज क्या होगी, एल्कोहल डिटरेंट थेरेपी। एल्कोहल डिटरेंट थेरेपी में यूज की जाती है एंटा अब्यूज ड्रग, लिंक करके पढ़ेंगे, एल्कोहल डिटरेंट थेरेपी में यूज की जाती है एंटा अब्यूज
ड्रग, और वो एंटी अब्यूज ड्रग कौन सी होती है? डाइसल्फिराम। कौन सी होती है? डाइसल्फिराम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कहूंगा डाइसल्फिराम। तो डाइसल्फिराम जो है उसके दो नाम हो गए। आपसे पूछा जाए कि एंटा अब्यूज ड्रग इन एल्कोलिज्म, हम कहेंगे डाइसल्फिराम। या आपसे पूछा कि एल्कोलिज्म में, एल्कोहल डिटरेंट थेरेपी में कौन सी ड्रग यूज की जाती है, हम कहेंगे डाइसल्फिराम। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि एल्कोहल में अवर्जन थेरेपी में, कौन सी थेरेपी? अवर्जन थेरेपी, अवर्जन थेरेपी में कौन सी ड्रग यूज की जाती है, तो हम कहेंगे डाइसल्फिराम। क्या कहेंगे? डाइसल्फिराम। तो एवर्जन थेरेपी क्यों आई यहाँ पे? एवर्जन थेरेपी तो क्या है? टाइप ऑफ साइकोथेरेपी है। तो हमने यहाँ पे क्यों किया? देखो आपने कहीं वो पोस्टर लगे हुए देखेंगे ना कि शराबी को बिना बताएं शराब छुड़वाएं या कुछ ऐसा करें वो करें, तो वो एक तरह का क्या है? एवर्जन थेरेपी का ही यूज है। एवर्जन थेरेपी में क्या होता है कि डाइसल्फिराम यूज करते हैं। अभी हम डाइसल्फिराम का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एवर्जन थेरेपी अगर बात करें तो एवर्जन थेरेपी क्या होती है? एवर्जन थेरेपी इज द पेयरिंग ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलस विथ अनप्लीजेंट स्टिमुलस। मतलब एवर्जन थेरेपी में क्या करते हैं कि पेयरिंग करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है ये कहीं कि पेयरिंग ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलस विद द अनप्लीजेंट स्टिमुलस इज द टाइप ऑफ साइकोथेरेपी, हम कहेंगे कि एवर्जन थेरेपी है। एवर्जन थेरेपी में क्या होता है कि प्लीजेंट स्टिमुलस के साथ में एक अनप्लीजेंट या नेगेटिव स्टिमुलस भी दे दिया जाता है। जो वो नेगेटिव स्टिमुलस आता है उसकी वजह से क्लाइंट जो है वो उस चीज को छोड़ देता है। जैसे जैसे बेसिक सी बात करें हम कि छोटा बच्चा होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद में उसको दूध छुड़वाना होता है, ठीक है, वो जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है उसको वो छुड़वाना होता है। तो गाँव में औरतें जो है वो क्या करती है, वो क्या करते हैं निप्पल्स पे नीम का जो है वो क्या लगा देते हैं, पीस के लगा देते हैं। अब बच्चा जब भी क्या करता है, ब्रेस्ट को सक करता है, निप्पल को सक करता है, उसको कड़वा टेस्ट आता है। तो उसके लिए प्लीजेंट स्टिमुलस क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग। और नेगेटिव स्टिमुलस क्या आ रहा है? अनप्लीजेंट स्टिमुलस क्या आ रहा है? उसको पता है कि जब भी वो ब्रेस्ट निप्पल को सक करेगा उसके मुंह में वो कड़वा टेस्ट आएगा। तो वो चीज़ क्या हो जाती है? वो कहलाती है टाइप ऑफ एवर्जन थेरेपी। वही चीज़ क्या है? एवर्जन थेरेपी। कोई बच्चा है थंब सकिंग करता है तो हम क्या करते हैं कि थंब सकिंग उसके लिए प्लीजेंट है, पर जैसे ही वो थंब सकिंग करता है उसको लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट देते हैं या पीछे से बहुत तेज मम्मी का क्या होता है चांटा आता है। जब भी वो थंब सकिंग करता है पीछे से आएगा चांटा। तो थंब सकिंग प्लीजेंट और चांटा जो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? अनप्लीजेंट। तो वो क्या होगी? एवर्जन थेरेपी। तो वैसा ही काम करते हैं हम यहाँ पे क्या एल्कोलिज्म में। तो एल्कोलिज्म में एल्कोहल तो हो गया प्लीजेंट स्टिमुलस, पर जो डाइसल्फिराम होती है वो डाइसल्फिराम क्या करती है कि अनप्लीजेंट जो है वो इफेक्ट डेवलप करती है। इसलिए इसको कहा जाता है एंटा अब्यूज ड्रग, और यह कहा जाता है एल्कोहल डिट्रेंट थेरेपी में इसको यूज किया जाता है। बताओ क्लियर है? अभी आगे हम और इसको पढ़ लेंगे। देखो डाइसल्फिराम क्या करती है? इट कॉजेज एक्सट्रीम एंड वॉयलेंट डिस्कम्फर्ट। और ये एक्सट्रीम और वॉयलेंट डिस्कम्फर्ट जो होगा वो होता है अनप्लीजेंट स्टिमुलस के लिए। क्या होता है? अनप्लीजेंट होता है, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, बहुत बुरे इफेक्ट आते हैं। अब क्या होगा कि जब भी वो एल्कोहल लिया तब ये प्रेजेंट होंगे। तो फिर हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि राड से बाढ़ बली। अरे बोले यार एल्कोहल लेते ही ये सब आता है, तो बोले इसको भी छोड़ दो तो ये भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से वो एल्कोहल को छोड़ देता है। तो देखो अगर हम बात करें यहां से क्वेश्चन बनता है, या अभी मैकेनिज्म पढ़ेंगे उस समय देखते हैं। इनिशियल डोज की बात करें 500 mg पर डे ओरल, और मेंटेनेंस डोज की बात करें तो कितनी होती है? 250 mg पर डे ओरल। डाइसल्फिराम की जो इनिशियल डोज होती है वो कितनी होती है? 500 mg पर डे ओरली दी जाती है, और जो मेंटेनेंस डोज होगी वो कितनी होगी? 250 mg पर डे ओरल, ठीक है। तो यह तो हो गया बेसिक मैनेजमेंट जो आप। अब हम ये देखते हैं कि डाइसल्फिराम, हमने ये देखा कि डाइसल्फिराम जो है वो एवर्सिव इफेक्ट डेवलप करती है, डिट्रेंट इफेक्ट डेवलप करती है, एंटा अब्यूज ड्रग है, एल्कोहल लेते ही अनप्लीजेंट या हैंग ओवर इफेक्ट डेवलप करती है। पर ये करती कैसे, वो चीज़ हम अब समझते हैं। तो देखते हैं डाइसल्फिराम रिएक्शन। देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको, पहले नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, जब डाइसल्फिराम नहीं है तब की बात करते हैं। कि इंडिविजुअल ने क्या लिया? एल्कोहल लिया, मतलब क्या लिया? इथेनॉल लिया। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि इथेनॉल लिया यानी कि एल्कोहल लिया उसने। तो एल्कोहल एक एंजाइम होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, कौन सा होता है? एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज,
एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो उस इथेनॉल को किस में चेंज कर देता है, एसिट एल्डिहाइड में, किस में चेंज कर देता है, एसिट एल्डिहाइड में। नॉर्मल डाइसल्फ्यूरम नहीं है तब की बात कर रहे हैं। अब एसिट एल्डिहाइड जो है वो क्या है, बॉडी के लिए टॉक्सिक है, ये इस फॉर्म में जो है वो पच नहीं सकता बॉडी के अंदर, इसका लेवल बढ़ेगा तो वो टॉक्सिक होगा। तो ये क्या होता है, एक एंजाइम और होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, कौन सा होता है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, कौन सा होता है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अब ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो क्या करता है, इस एसिड एल्डिहाइड जो इथेनॉल में, इथेनॉल से चेंज हुआ है किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की, ये इस एसिड एल्डिहाइड को एसीटेट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, क्या कर देता है, एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। एसीटेट जो है वो टीसीए साइकिल में चला जाता है, वहां पे ये जो है वो CO2 और प्लस H2O में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये तो ही नॉर्मल बात जब डाइसल्फ्यूरम नहीं है, तो इंडिविजुअल क्या करता है, एल्कोहल लेता है, एल्कोहल लिया तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ने क्या किया, उसको एसिटाइल्डिहाइड में चेंज किया, एसिटाइल्डिहाइड जो है वो बॉडी में रह नहीं सकता, तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज ने क्या कर दिया, इसको एसिटेट में चेंज कर दिया, फिर बाद में ये CO2 और H2O में क्या डिवाइड होके वो क्या हो गया, बॉडी से एक्सक्रिएट हो गया या पच गया, ठीक है। पर अब क्या दे दी अपन ने, इस एल्कोहल के साथ में क्या दे दी, डाई सल्फिराम, क्या दे दी भाई, डाई सल्फिराम। अब इस डाई सल्फिराम ने क्या किया, इथेनॉल जो था वो आया बॉडी में, तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज तो था, उसने उसको एसिटाइल्डिहाइड में चेंज कर दिया। अब एसिटाइल्डिहाइड से एसिटेट फॉर्म में चेंज होने के लिए क्या चाहिए भाई, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज चाहिए। इस डाई सल्फिराम ने क्या किया, इस किसको, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को क्या कर दिया, इसको इनहिबिट कर दिया, क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, इसका सिक्रेशन बंद कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया, इसका एक्शन को बिल्कुल रोक दिया। तो बताओ ये जो एल्डिहाइड में चेंज हुआ था इथेनॉल, वो एसिटेट में चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये एंजाइम तो क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। तो ये एल्कोहल जो है वो बॉडी में किस फॉर्म में रह जाती है, ये स्टेप जो है वो यही रुक जाती है, और बॉडी में किस फॉर्म में रह जाती है, एसिटाइल्डिहाइड फॉर्म, किस में रह जाती है, एसिटाइल्डिहाइड फॉर्म में। अब ये क्या है, टॉक्सिक है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल में नेगेटिव इफेक्ट क्या डेवलप होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट जो है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, जैसे सीवियर नोजिया, वोमिटिंग, चेस्ट पेन, पालपिटेशन, इस तरह के जो है वो सिम्टम्स आते हैं। अब देखो क्या होगा, कई डाइसल्फिराम तो वो क्या हो गया, डाइसल्फिराम दी, ये इथेनॉल जो है उसके लिए क्या है, प्लीजेंट स्टिमुलस। अब जब भी वो प्लीजेंट स्टिमुलस लेगा, हमने उसके साथ में डाइसल्फिराम ऐड कर दी, डाइसल्फिराम अनप्लीजेंट नहीं है, डाइसल्फिराम की वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट डेवलप हो रहे हैं ये क्या है, अनप्लीजेंट स्टिमुलस है। तो देखो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट स्टिमुलस का जो पेयरिंग होती है वही आपके क्या कहलाती है, अवर्जन थेरेपी, क्या कहलाती है, अवर्जन थेरेपी। इसलिए कहा जाता है, पूछा भी गया शब्दजंग में कि अवर्सिव अवर्जन थेरेपी, एल्कोहलिज्म में जो अवर्जन थेरेपी यूज की जाती है उसमें कौन सी ड्रग यूज की जाती है, तो हम कहेंगे कौन सी ड्रग यूज की जाती है, वो ड्रग यूज की जाती है डाई सल्फिराम। क्लियर, बताओ एकदम क्लियर है कि नहीं है सबके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि डाई सल्फिराम एक्ट कैसे करती है, तो हम ये कहेंगे डाई सल्फिराम जो होती है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को क्या कर देती है, रोक देती है, इनहिबिट कर देती है, उसकी वजह से एल्डिहाइड जो है वो एसीटेट में आगे फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं हो पाता, और उस एसिटाइल्डिहाइड की वजह से ही जो है नेगेटिव इफेक्ट डेवलप होते हैं। क्लियर, तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ या डाइसल्फिराम रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसल्फिराम के एडवर्स इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डाइसल्फिराम दे रहे हैं पर आपको ये नहीं है कि भाई अल्कोहल छोड़ेगा तो चलो दे ही देते हैं, इसके डाइसल्फिराम के एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो डाइसल्फिराम के एडवर्स इफेक्ट की बात करें, सीवियर रिएक्शन आफ्टर एल्कोहल इंजेक्शन, डाइसल्फिराम दे दी और ऊपर से इंडिविजुअल ने एल्कोहल ले ली, तब क्या होगा, तब देखो क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सीवियर फॉल इन ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड बीपी जो है वो सडन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है, एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, सीजर्स आ सकते हैं, डेथ हो सकती है। इसका मतलब क्या होगा कि आप घर पे डाइसल्फिराम दे दोगे, तो हम यही कहते हैं कि ये कहा जाता है कि जो डाइसल्फिराम होती है उसका यूज जो है वो अंडर सुपरविजन, मतलब स्पेशलिस्ट सुपरविजन होना चाहिए, ठीक है। तो आप किसी बाबा के चक्कर में आके जो है वो घर पे दे दी, मान लो
कॉम्प्लिकेशन जो है वो सीवियर हो गए तो क्लाइंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जो सुपरविजन स्पेशलिस्ट सुपरविजन होता है उसमें डाइसल्फिनम का यूज करना चाहिए। क्लियर। साइड इफेक्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एल्कोहल। अब इस डाइसल्फिनम के क्या है कि एल्कोहल नहीं है फिर भी क्या होंगे साइड इफेक्ट होंगे, कौन कौन से होंगे, स्किन रेसेस पाए जाते हैं, ड्राउजीनेस पाई जाती है, हेडेक पाया जाता है, मेटेलिक और गार्लिक टेस्ट। ध्यान रखना कि डाइसल्फिनम जो है वो केस क्या क्या होता है, मेटेलिक और गार्लिक टेस्ट पाया जाता है, एंड साइकोटिक रिएक्शन जैसे कंफ्यूजन, एक्सट्रीम फियर और हेलुसिनेशन पाया जा सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो एल्कोहल के बिना भी इंडिविजुअल में पाए जा सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वह हमने क्या मैनेजमेंट कर दिया, किसका, एल्कोहलिज्म का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। भाई हमने बायोलॉजी जो अभी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किया है, अब एल्कोहलिज्म में हम साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो एल्कोहलिज्म में अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कोहलिज्म के मैनेजमेंट में आपसे ट्रीटमेंट और चॉइस पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, एवर्जन थेरेपी। क्या बोलेंगे भाई, एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी हमारे को अच्छी तरह पता चल गई क्या होता है कि इसमें पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलस विथ अनप्लीजेंट स्टिमुलस, प्लीजेंट स्टिमुलस के साथ में अनप्लीजेंट स्टिमुलस दिया जाता है। और एल्कोहल में इस डाई इसमें एवर्जन थेरेपी में किसका यूज किया जाता है, डाइसल्फिराम का। किसका यूज किया जाता है, डाइसल्फिराम का। तो वो क्या होता है आपका, एवर्जन थेरेपी। उसके अलावा हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करते हैं क्योंकि उसमें एजिटेशन पाया जाता है तो क्लाइंट को हम रिलैक्स करते हैं। ठीक है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट यानी कि अगर आपका डिजायरेबल बिहेवियर जो आप चाहते हैं, अगर वैसा क्लाइंट ने बिहेवियर किया है तो उसके लिए आप क्लाइंट को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देते हो यानी कोई रिवार्ड देते हो। ठीक है। तो वो कहलाता है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। अगर जैसे क्लाइंट है उसने एल्कोहल नहीं ली तो आप उसको कोई रिवार्ड दो, इनाम दो, उसकी वजह से क्या होगा, वो इंकरेज होगा उस बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। और साथ ही साथ हम क्या देते हैं, ग्रुप थेरेपी देते हैं। ठीक है। जिसमें 8 से 10 लोगों का ग्रुप जो होता है वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी अपनी जो प्रॉब्लम जो होती है उनका डिस्कशन करते हैं ग्रुप में बैठ के। तो वो क्या होता है, ग्रुप थेरेपी। साइकोथेरेपी में इनको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमने टॉपिक देखा एल्कोहलिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत ही बेसिक और बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है हम इसको पढ़ाए। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।